बेगूसराय में बखरी थाना क्षेत्र में ठनका गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई, वहीं दो छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई। घटना मंगलवार की दोपहर लगभग 2 बजे का बताया जा रहा है। तीनों छात्रा चक हमीद पंचायत के वार्ड 3 बहोरचक की रहने वाली बताई जा रही है। सभी छात्रा अपने खेत से घास काट कर वापस अपने घर जा रही थी। इसी क्रम में ठनका की चपेट में तीनों छात्रा आ गए, जिसमें बसंत मुखिया की 12 वर्षीय पुत्री सौगंध कुमारी की मौत हो गई। वहीं लक्ष्मण मुखिया के 12 वर्षीय पुत्री उर्मिला कुमारी एवं सीट मुखिया की 13 वर्षीय पुत्री रीता कुमारी गंभीर रूप से झुलस गई। बता चले कि ठनका की चपेट में आने से सौगंध कुमारी छटपटे तालाब में गिर गई, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से तत्काल निकाला गया। तीनों को इलाज के लिए बखरी PHC लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने जाँच उपरांत सौगंध कुमारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं उर्मिला कुमारी एवं रीता कुमारी का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही बकरी पुलिस PHC पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। सबके पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय अस्पताल भेज दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। किस तरह ये घटना हुई है? ये घटना, ये तीनों लड़की घास लेकर जा रही थी और पोखर के मुहार होकर आते हुए आ रही थी, और अचानक बहुत जोर से बादल गरजा, बिजली छिटका, जिसके कारण ये दहशत में एक तो नदी में घुलट गया पोखर में। पोखर में घुलटने के कारण उसका दोस्त वहाँ पर पानी में पिए मृत्यु हो गया। जब तक परिजनों ने, गाँव वाले ने जाए, जब तक वहाँ पहुँचा तब तक वो शायद मृत हो गया था। हॉस्पिटल लाने के क्रम में डॉक्टर ने घोषित कर दिया, मृत घोषित कर दिया। और दो घायल है, जो घायल को इलाज चल रहा है। और यही घटना है कि ठनका कारण है, दहशत में पोखर पर थे वो पलट गए। रात लग आवे रह रहे, रात लग आवे रह रहे पर पोखर पर ठनका ठनका ठनकल बस दू गो घायल होले, एगो जख्म जख्म हो मर खत्म भए गेलै। जे मरले उ के छै तोहर? हमर लड़की है। की नाम छै? सौगन, सौगन कुमारी। उम्र? 12 साल।